जितना मजा भी यहाँ बनाएंगे उनको बोल रहे थे दीवान। तो आज हमारे घर में बन रहा है खिचड़ी, वो भी मट्टी का चूल्हा में। कल रात में ही दीदी आई, उसका भी एक छोटा सा क्लिप इसमें ऐड कर देंगे हम लोग देखने के लिए। और मम्मी या दीदी ऊपर छत पे हैं और मैडम अभी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके ये भी चल रहे हैं अपना ड्यूटी में। हेलो एवरीवन, तो ये है नाइट का मतलब रिकॉर्ड किया हुआ था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे दीदी आ गई थी, आकाश गए थे दीदी को लाने क्योंकि दिवाली दुर्गा पूजा दिवाली और इसके बाद फिर छठ पूजा, तो छठ पूजा में आती है दीदी, तो छठ पूजा के लिए आई है। अभी छठ पूजा टाइम है लेकिन दिवाली वगैरह में मतलब यहीं पर रहेगी। तो यहाँ पर दीदी लेकर आ गई थी पाव भाजी लेकर आई थी और मोमोज भी लेकर आई थी, और बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया था तो हम लोग उतना खा भी नहीं पाए थे। फिर इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, फिर सुबह दीदी ने खाया और मेरे तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसीलिए मैं मतलब नहीं खा पाई थी उतना भी, और सभी लोग क्योंकि पाव भाजी थोड़ा हैवी हो जाता है ना तो इसीलिए, और घर में भी उतना मतलब सब थोड़े थोड़े ही खाए थे और इसके रात को खाना भी नहीं खाए थे, थोड़ा थोड़ा सा भी खाए थे बाबा जी वही हैवी हो जाता है इसीलिए। लेकिन हाँ टेस्टी था, अच्छा था, अच्छा लग रहा था खाने में। तो ये है भाजी जो बना हुआ था और यहाँ पे मैं निकाल निकाल के दे रही थी सभी को, और यहाँ पे है मोमोज, इतना सारा मोमोज, तो इसके अंदर था स्टफिंग इसका प्याज का और बंदा गोभी का था। और यहाँ पे मिस्टर भगत अपने लिए निकाल रहे थे पाव भाजी, तो यहाँ पर वो पाव ले रहे थे और उन्होंने मोमोज भी खाया तो उनको अच्छा ही लगा खाने में। मैं मोमोज नहीं खाई थी क्योंकि मुझे मन ही नहीं कर रहा था इसीलिए। तो यहाँ पे वो पाव और भाजी निकाल रहे हैं खाने के लिए खुद, और टेस्ट करके खुद बताएंगे कैसा लग रहा है। ऐसे पनीर वगैरह सब कुछ था मिक्स, अच्छा ही लग रहा था। अभी छत पे बन रहा है खिचड़ी तो आप लोगों से हाँ, और दीदी आई है दिवाली छठ पूजा अभी तो रहेगी, लंबा रहेगी उसके बाद जाएगी। तो दीदी अभी ऊपर है और मम्मी भी ऊपर है तो आपको दिखाएंगे छत पे, चलते हैं। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी छत पे अभी खिचड़ी बनाने के लिए मम्मी लोगों के साथ मिलकर। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है कढ़ाई में तेल क्योंकि इससे जो काले खो जाता है वो नहीं होगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है इसे धोने में और हाथ भी पूरा काला काला हो जाता है। तो हम लोग आ गए अभी छत पे खिचड़ी बनाने के लिए, और छत पे मतलब चूल्हा है तो चूल्हा में अच्छा से मतलब बनता है। और दीदी भी आ गई है, आप लोगों ने तो देखा ही खाने हाँ सही है, क्या हुआ छठ पूजा भी है इसीलिए आई है दीदी, अभी छठ और दिवाली में यहीं पर मनाएगी। तभी चूल्हा हमारा जल चुका है और कढ़ाई में तेल भी लग गया है, नहीं तो कढ़ाई काला हो जाता है, और इसमें मिट्टी लग गया है खिचड़ी बनने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल का चटनी जो बहुत फेमस है, अच्छा भी लगता है खाने में। और यहाँ पे दीदी और मम्मी दाल से आलू निकाल लेती, हम लोग पहले खिचड़ी का दाल उबाल लेते हैं इसके बाद चावल डाल के उसका खिचड़ी बनाते हैं। सभी जगह का अलग अलग है, मैंने उस दिन अलग टाइप का बनाया था तो आज अलग टाइप का बन रहा है। और मैं यहाँ पे चोखा के लिए फ्राई कर रही हूँ प्याज।
तो यहाँ पे मम्मी चावल के लिए पानी चढ़ा रही है और इसमें हल्दी वगैरह डाल रही है, क्योंकि दाल पहले बन गया था तो चावल अभी बनाना है। हल्का सा चावल मतलब उबाल के इसके बाद उसमें दाल भी मिक्स कर देना है। तो मैंने डाल दिया चावल और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब चावल, चावल धोकर। यहाँ पे खिचड़ी के लिए चढ़ गया है चावल और वहाँ पे दीदी चटनी पीस रही है, धनिया पत्ता का चटनी और दाल का चटनी, जो दाल मैंने फ्राई किया था उसका चटनी। और यहाँ पे हो रहा है खिचड़ी फ्राई, खिचड़ी बन चुका था तो खिचड़ी फ्राई करने के लिए मतलब छौंका लगाने के लिए तैयारी हो रहा था छौंकने के लिए खिचड़ी। और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ पापड़। सब लोग खा लिया, हमने खाया खाली अरुआ चावल का नहीं बनाया, उसना चावल का बनाया, हमको एक जरा पसंद नहीं है खाली, फिर भी मजबूरी में खा रहे हैं। हमको अरुआ चावल का बहुत अच्छा लगता है, बताइएगा ये बहुत ज्यादा मतलब बस। हाँ ठीक है, खिचड़ी के साथ है चोखा चटनी। अरे यार धनिया पत्ता चटनी पापड़ बस निकालिए जल्दी दीजिए, दे रहे हैं। ये कौन सी का चटनी है? दाल का, थोड़ा दीजिए धनिया पत्ता। और चावल भी बनाया अलग से, इसको नहीं खाना है खिचड़ी, वो चावल खा सकते हैं, सारा प्रबंध है। हल्का चोखा हमको ये वाला चोखा पसंद है थोड़ा सा, बस बस बस। तो हमारा खाना रेडी, आज का खाना डिनर जो कि बनाया मम्मी स्मृति और दीदी ने मिलके, लेट्स एंजॉय। हे गाइस, तो हम लोगों ने खाना खा लिया, मैंने थोड़ा सा खाया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी, मतलब ये खांसी तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है और सिर वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द करता है। अब लोगों को तो पता है सर्दी होने से कैसा लगता है। कल भी मेरा तबीयत बहुत मतलब एकदम मन ही नहीं कर रहा, इसलिए कल का भी ब्लॉग नहीं आ पाया, कल भी तबीयत ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है और रात को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हॉस्टल वगैरह यहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं। हम इस तबाद खा चुके हैं खिचड़ी, कैसा लगा? ठीक ठाक था क्योंकि इनको वो चावल का नहीं खाना था जो चावल का बना है, इसीलिए ये ऐसे बोल रहे हैं ना, है ना।